Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। जिंदगी के रास्तों पे कई दफे ऐसे दो राहें आते हैं जब न चाहते हुए भी आपको एक रास्ता चुनना ही पड़ता है, और उस एक रास्ते को चुनने पे ही आपकी अब तक की जिंदगी ठहरी हुई होती है। और एक बार एक रास्ता चुन लेने के बाद आप इंसान या शैतान, दोनों में से कोई एक ही कहला सकते हैं। राहुल भी ऐसे ही एक दो राहे पे खड़ा था। एक तरफ सामने धूं धूं करके जलती हुई उसकी सीमा चुपचाप बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, और दूसरी ओर उसके दोनों बच्चे छत से एक साथ बंधे हुए झूल रहे थे और उन्हें बांधी हुई रस्सी धीरे धीरे टूट रही थी। राहुल का दिन सवेरे 6 बजे शुरू होता था। सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के 9:15 बजे तक वो स्टेशन पहुंच जाता था और अपना नया नया सीखा हुआ कंप्यूटर का ज्ञान शाम तक काम में लगाता था। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे टिकट रिजर्वेशन काउंटर पे राहुल की सरकारी नौकरी थी। सीधा साधा शांत जीवन था, बीवी थी, 2 बच्चे थे और राहुल की जिंदगी में कुछ और चाहिए भी नहीं था उसे, सिवाय अपना कह पाने लायक एक छोटे से मकान, एक छोटे से आशियाने के। रेलवे क्वार्टर में रहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि गांव की खुली हवा में बड़ा हुआ था राहुल। सरकारी नौकरी तो ठीक है, लेकिन सरकारी क्वार्टर के नाम पे पिंजड़े जैसा छोटा सा फ्लैट उसे बर्दाश्त नहीं था। पैसा काफी वक्त से वो जोड़ ही रहा था, बस जमीन किश्तों पे खरीद ली थी, अब मकान की बनवाई के पैसे जोड़ रहा था। एक दिन की बात है, राहुल शाम के वक्त बाजार से होता हुआ घर लौट रहा था। कोई भी रेलवे कॉलोनी अमूमन थोड़ी खाली खाली सुनसान सी होती है, शांत माहौल होता है और बाकी पूरे शहर से थोड़ी ज्यादा ठंड होती है। राहुल एक अंधेरे मोड़ से सब्जियों से भरे अपने थैले को संभालते हुए मुड़ा तो जैसे उंगली पे कुछ चुभा, हाथ से थैला छूट के सड़क पे गिरा और राहुल समझ गया किसी धारदार चीज से उंगली कट गई है। ये मोड़ कुछ ज्यादा ही अंधेरा रहता था क्योंकि यहाँ 500 साल पुराना एक बरगद का पेड़ था जिसको देखो तो लगता था कोई जटाए झुलाए हुए खड़ा है। अंधेरे में राहुल ने किसी तरह ढूंढ ढूंढ के थैले में सब्जियां भरनी शुरू की तो दूर की स्ट्रीट लाइट से आती हल्की सी रोशनी में एक लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी पता नहीं कहां से अचानक आया और बिना कुछ बोले राहुल की मदद करने लगा। राहुल भी कुछ बोला नहीं, धन्यवाद धन्यवाद करता हुआ अपना थैला भरने लगा। सारी सब्जियां थैले में वापस भर लेने के बाद राहुल ने घूम कर एक बार नजर घुमा के देखा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, और जब देखा सब कुछ ठीक था, सब कुछ ले लिया था, तो उस आदमी को पलट के आखिरी बार धन्यवाद कहने को पलटा और देखा वहां कोई नहीं था। राहुल अजीब सी उधेड़ बुन लिए हुए घर वापस आ गया। आके देखा कि हाथ में कोई भी चोट या दर्द कुछ नहीं था, कोई निशान भी नहीं था, और झोले में से सब्जियां निकाल के रखते रखते उसने देखा सब्जियां खत्म हो गई, लेकिन सब्जियों के बिल्कुल नीचे चमकीले और बड़े बड़े लाल माणिक और चमचमाते दो कच्चे बड़े बड़े हीरे थे। राहुल ने घर में किसी से कुछ कहे बगैर सारे पत्थर एक थैली में भर के अलमारी में रखे और चुपचाप रात का खाना खा के सो गया। वक्त बीता और उन माणिक और हीरों को राहुल ने बेचा तो बड़े पैसे कमाए। आज 2 बड़े बड़े बंगलों का मालिक है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है उसके पास। और उसकी तरह किसी और को भी ऐसे रातों रात अमीर बनने का राज पता ना चले, इसीलिए राहुल ने चालाकी से वो बरगद का पेड़ न सिर्फ कटवा दिया बल्कि उसका बचा हुआ ठूंठ जलवा दिया। अब राहुल बड़ा व्यापारी बन चुका था। एक रात दुकान बंद करते वक्त राहुल अकेला था। आज ठंड ज्यादा थी, सब लोग एक एक करके घर चले गए थे। राहुल कुछ हिसाब किताब में वहीं फंसा रह गया था, इसीलिए देर हो गई। गेट पे जंजीरें बंधी हुई थी और बाहर संतरी खड़ा हुआ था। अचानक बत्ती चली गई। दुकान के जनरेटर में भी तेल खत्म हो चुका था। अब 14 घंटे दिन में बत्ती ना रहे तो और क्या होगा। राहुल ने सामने नीचे की दराज में से टॉर्च निकालने के लिए उसे खोला तो लाख टटोलने पे भी टॉर्च नहीं मिली। उस अंधेरे में एक अजीब से कालेपन ने घेर लिया पूरी दुकान को। जैसे राहुल को धीरे धीरे लगने लगा जैसे घबराहट के लिफाफे में
डर का खत बन गया है वो। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी और आंखों में डर था। और तभी वही बरगद के पेड़ के पास वाला लंबा चौड़ा सा आदमी राहुल को अंधेरे में साफ साफ दिखाई दिया। उस अंधेरे में जहां राहुल को अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था, वो आदमी उसे शॉल ओढ़े साफ दिख रहा था और समझ में आ रहा था कि वो जमीन पे खड़ा नहीं था बल्कि जमीन से 4 इंच ऊपर तैर रहा था। राहुल के देखते देखते हवा के एक झोंके की तरह वो वैसे ही सीधा खड़ा उड़ता उड़ता राहुल तक पहुंचा और बस अपनी हथेली आगे बढ़ा के खड़ा रहा, जैसे राहुल से सब कुछ वापस मांग रहा हो। राहुल की तो जैसे जान सूख गई थी। गिरता पड़ता अपनी ही दुकान से बाहर भागा और सीधे दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा। और अपने आलिशान बंगले पे पहुंच के राहुल ने देखा, एक और उसकी सीमा बगीचे में आराम कुर्सी पे बैठी धूं धूं करके जल रही थी और बिना किसी चीख के बड़ी बड़ी जलती आंखों से राहुल की ओर देख रही थी। और दूसरी ओर उसके दोनों बच्चे छत से झूल रहे थे और रस्सी धीरे धीरे टूट रही थी। राहुल के ठीक सामने इन सब के बीच वो ही आदमी लंबा सा चोला पहने जमीन से 4 इंच ऊपर तैर रहा था। राहुल ऐसे एक पल में अपने आप को रोक नहीं पाया और मन ही मन अपने पापों की माफी मांगने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। भागना चाह रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। राहुल ने अपने शरीर की सारी ताकत जोड़ी और एक सांस में जितनी हवा कभी नहीं भरी थी उतनी हवा फेफड़ों में भर के चीखा और चीख निकलते ही उसकी आंख खुल गई तो देखा राहुल उसी रेलवे के क्वार्टर में अपने आवाज करते पंखे के तले सो रहा था। बीवी बच्चे सुकून से सो रहे थे और वो हीरे और माणिक ज्यों के त्यों उस पोटली में रखे थे। जिंदगी के एक दोराहे पे राहुल खड़ा था। अब उसे पता था एक रास्ते पे पोटली लौटा के वापस इसी क्वार्टर में रहते हुए तिनका तिनका जोड़ के अपना आशियाना बनाना होगा या फिर उन पत्थरों को रख के जो सपना अभी देखा था उसे सच होते हुए देखना पड़ेगा। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। Radio Nasha!